जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है बालाजी की कृपा, जो कि बालाजी का ही चैनल है। इसमें एक और अनुभव लेकर के आया हूँ, उसमें आपको एक सीख मिलेगी कि होली दिवाली जब आपकी तबीयत ख़राब अगर होती है तो क्या रीज़न होता है। किसी ने कोई टोना टोटका किया होता है, या आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ी हुई होती है, या कुछ खिलाया पिलाया होता है, तो वो होली दिवाली उस चीज़ को दोबारा से भोग देता है, ताकि वो दोबारा तुम्हें तंग करे। तो होली दिवाली तुम्हें ज़रूर झपट्टे लगेंगे, या पितृ परेशान करेंगे, या तुम्हारे पास कोई नेगेटिविटी है तो वो शक्तिशाली हो जाएगी और तुम्हें तंग करने के लिए। ऐसा ही इनके साथ हुआ। जो दिवाली गई है नाम बताने के लिए इन्होंने मना किया है, जो दिवाली गई है उस दिवाली को ये बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि हॉस्पिटल में ही इन्होंने दिवाली मनाई। दिवाली बीत गई, मतलब मनाई नहीं, बीत गई। प्लेटलेट इनकी बहुत कम हो गई, 40,000 के आसपास हो गई, और दिवाली से अगले दिन 20,000 रह गए मात्र। आँखों के आगे अंधेरा, और एकदम से इनको खांसी आई, और दिल की जो एक नस होती है, ऐसा लगा ऐसा भी फटी, दिल में एक सुई चुभी बहुत ज़्यादा, और लगा कि अभी नस फट जाएगी मेरी और ये गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। एकदम इन्होंने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान चालीसा का ध्यान किया, तो उस चीज़ में आराम पड़ा। तो इनको थोड़ा लगा कि शायद ये कोई चीज़ नॉर्मल बीमारी नहीं है मेरी, कुछ अलग है। फिर भी हनुमान जी का नाम करते रहे, जाप करते रहे, बजरंग बली मुझे बचाइए, ये क्या हो गया मुझे। एक घंटे के अंदर अंदर, जो कि इनको प्लेटलेट डायरेक्ट चढ़ानी थी क्योंकि एकदम से कम हो गई थी, तो प्लेटलेट का अरेंजमेंट एक घंटे के अंदर अंदर हो गया। प्लेटलेट चढ़ी, आधी आँखें खुली आधी आँखें बंद, हनुमान जी स्वप्न में आके बोल रहे हैं, घबरा मत बेटा। और एक पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर दीवार पे दिख रही है, और लेफ्ट दीवार पे और राइट दीवार पे, सामने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, और लेफ्ट दीवार पे और राइट दीवार पे इनको दिख रहा है कि दो चुड़ैलें खड़ी हैं, काली परछाई, जो इनको मारने के लिए तुली हुई हैं, जैसे किसी ने इनके ऊपर कीलन करके, बंधन करके दो चुड़ैल भेजी थी ख़त्म करने के लिए। थोड़ा आराम इन्हें पड़ा, साइड इफ़ेक्ट भी दवाई का हुआ, फिर हनुमान जी का नाम लिया, थोड़ा आराम फिर पड़ा, घर चले गए। आगे आने वाले कुछ और समय तक ठीक नहीं हो पाए। इन्होंने अपने हाथ अपने मुंह से बताया कि इनके शरीर में सुई चुभती रहती थी, हार्ट अटैक होने वाला है, मैं अभी मर जाऊंगा, ऐसा होता रहता था, पूरे शरीर में दर्द रहता था इनके। डॉक्टरों को कई जगह दिखाया, कई अस्पताल में दिखाया, करीब 1,00,000 रुपये से ऊपर खर्च हुआ टेस्ट में इनके, लेकिन कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, सब ने कहा नॉर्मल है, लेकिन इनकी परेशानी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दिल ऐसा लगता था जैसे अभी फट जाएगा, और सुई चुभती रहती थी दिल में इनके, और शरीर में परेशानी रहती थी, दर्द परेशानी, कभी यहाँ दर्द, भारीपन रहता ही था। घर वालों ने और उन्हें बहुत हंसी उड़ाई कि ये तो मजाक करता है, ऐसी करता है, तो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस वजह से ये कर रहा है, इसको बीमारी कोई नहीं है, डॉक्टर झूठ बोलेंगे क्या। लेकिन असली बात तो इनको पता थी ना कि इनको क्या है, इनको मालूम चल रहा था। आखिर में हनुमान जी की 40 पड़ी, कई बार 108 भी पड़ी है, 70-40 भी पड़ी, कई 40 पड़ी, थोड़ा आराम पड़ता फिर वैसे हो जाते, फिर थोड़ा आराम पड़ता फिर वैसे हो जाते। किसी भगत को दिखाया, उस भगत ने जल भी थी कराई, और एक छड़ी से छुआ इनको और बोला कि आपको थोड़ी समस्या है, ये जल पिलाते रहो सही हो जाओगे। 2 महीने तक बेड में पड़े रहे, ठीक नहीं हो पाए, खड़े नहीं हो पाए, 2 महीने के बाद आराम पड़ना शुरू हुआ। अभी भी 70-80% ठीक है, 20% ठीक नहीं है। ये अनुभव नहीं तो क्या है। हनुमान जी की इतनी भक्ति कर ली इन्होंने कि इनके पास पॉजिटिविटी भी आ चुकी है, जो कि इनके संकट ख़त्म कर देगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके आसपास या आपके शरीर में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, आ जाती है भक्ति करने से, आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, हर पल आपके काम बनाने के लिए, और ये ठीक होंगे। इनके लिए मैं ये वीडियो ये भी देखेंगे, इनके लिए मैंने शायद मैं इनको जल विधि बताया होगा, जल पीने के लिए और उसी से नहाने के लिए कपूर विधि बताई होगी, संकट काट विधि बताई होगी। इनकी वीडियो देखें, ये काम करते रहें, खुद ही अपने आप में आराम पड़ता चला जाएगा। और जल विधि तो इतनी अच्छी है, हनुमान जंजीरा से करेंगे तो उनके गंदी से गंदी चीज़ भी कट के निकल जाती है। बस मन में विश्वास होना चाहिए, नियम पर सही से करें, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, और बजरंग बली कृपा इन पर कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे,
क्योंकि इनका पूजा पाठ बहुत अच्छा चल रहा है, मन से कर रहे हैं, बजरंगबली खड़े हो गए सामने। सोचो जरा, इसको पंचमुखी हनुमान की तस्वीर दिखाई दे रही, क्या उसके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं आई हुई होगी, है ना। बस इनको करना क्या है, और मेहनत करनी है, नियम परहेज और भक्ति करनी है, पॉजिटिविटी मजबूत होती जाएगी, नेगेटिविटी कम मजबूत होती जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। तो ये इनका अनुभव था जो इन्होंने हमें लिख के भेजा कि इतने बीमार थे कि शरीर की नसें, दिल की नसें फटने को तैयार होती थी, सूई घुसेड़ रहा है कोई, कील घुसेड़ रहा है, ऐसा महसूस होता था, शरीर में दर्द बंद नहीं होता, अभी इन्हें आराम है। बजरंगबली कृपा करें इन पर, इनकी सारी परेशानी दूर हो। और यह अनुभव आपको कैसा लगा, और एक सीख भी आपके लिए है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।